हेलो एवरीवन, हेलो। मेरा नाम जमुना सोमानी है। आज मैं जो रेसिपी दिखाऊंगी वो बहुत ही अच्छी वेज चीजी क्रिस्पी सैंडविच बाइट बनाएंगे। उसके पहले हम अमूल की टीम का, दीपा मैम का, अभिषेक सर का, सबका थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हमको अपना ये हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है, रेसिपी दिखाने का, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिल रहा है। तो मेरी तरफ से सबको थैंक यू सो मच। तो रेसिपी जो बनाएंगे उसके लिए हमको सामग्री देखनी पड़ेगी। तो मैं आज जो सैंडविच बना रही हूँ, सैंडविच बाइट, क्रिस्पी सैंडविच बाइट, तो उसके लिए मैंने जो ब्रेड ली है, चार ब्रेड है, तो उसके मैंने कॉर्नर कट कर दिए हैं, और उसके लिए जैसे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लिया है, और एक कॉर्नफ्लोर से मैंने थोड़ी सी सैलरी तैयार की है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना पतली, और उसके लिए जैसे चीज़ लगेगा तो मैंने चीज़ स्लाइस ली है, और आलू का मसाला मैंने रेडी करके रखा था, जो करीबन 200 ग्राम के करीबन मैंने आलू लिए थे, उसको बॉईल करके और उसमें ग्रीन चिल्ली और कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी डाल के मसाला बनाया। तो चलिए अपन रेसिपी शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम पहले ये ब्रेड लेंगे। ब्रेड के अंदर हम ये आलू का मसाला भरेंगे। बहुत ही मस्त रेसिपी, जो आलू का मसाला जो हम बनाएंगे उसमें थोड़ा सा अगर ब्रेड क्रम्स डालेंगे तो थोड़ा सा मसाला अच्छा बनेगा, थोड़ा मतलब पानी नहीं छोड़ेगा, लूज नहीं रहेगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो और भी अच्छा रहेगा। ये देखिए बहुत ही मस्त रेसिपी बनने वाली है। इसमें मैं कुकुम्बर वगैरह कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, आज हम सिंपल, बहुत ही सिंपल रेसिपी बनाने वाली हैं। और अभी तो ठंडी का सीजन भी थोड़ा थोड़ा मुंबई में भी आ गया है, तो गर्मा गर्म मस्त मस्त ही लगने वाली रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा, स्वाद में भी बहुत अच्छी लगने वाली रेसिपी है। ये देखिए हम बाइट्स बना रहे हैं, तो इसको हम बाइट में काटेंगे, ये मसाला इस पर हम स्प्राइड करेंगे। ये देखिए अभी इसके ऊपर हम जो ये चीज स्लाइस किया था वो लगाएंगे। अभी एक दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर देंगे हम, और इसको कटिंग करेंगे। ये देखिए पीसेस में इसको काट दिया है हमने। तैयारी करेंगे हम ये जो ऑयल रखा था उसको, ऑयल रखेंगे, सेलो फ्राई में हम डीप फ्राई करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो जो ये सैलरी बनाई थी हमने, जो कॉर्नफ्लोर का जो बोल बनाया था, और ये जो ब्रेड क्रम्स लिया है हमने, तो ये बाइट्स को हम पहले इसमें डिप करेंगे, उसके बाद जो ये क्रम्स लिया है उसके अंदर हम इसको बाइट्स को कोट करेंगे। ये देखिए ये इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। अगर ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास नहीं हो तो आप सूजी को भी बारीक उसको आप क्रम्स में यूज कर सकते हो, एक बनते दो काज हो जाएंगे। ये देखिए तो
बहुत यूनिक रेसिपी है, फटाफट होममेड और सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई ज़्यादा सामग्री नहीं है। मसाला तो मैंने आलू का इसके लिए बना दिया, क्योंकि ठंडा नहीं होता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, थोड़ा ठंडा होएगा तो ही अच्छा लगता है, तो मैंने बना दिया है। ये देखिए, अभी देखिए हमारे बाइट्स रेडी हो गए, और देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सा, ये देखिए बाइट्स को डालेंगे। थोड़ा ब्राउन होने तक पानी भी डाल सकते हो, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो। गैस की आंच थोड़ा गोल्डन होने तक कल सेकना है इसको। लग रही है ना यूनिक। ये देखिए इस चीज के कारण चीज तो थोड़ा वो हो रहा है। ये देखिए हमारा बन गया है बाइट, रेडी हो चुके हैं। अभी हम इनको ये देखते हैं, हम गैस को बंद कर देंगे। हमारे बाइट्स रेडी हो चुके हैं। क्रिस्पी बाइट रेडी हो चुके हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।